अगर ओयो होटल में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता तो इस केस के बारे में किसी को अता पता नहीं चलता। आपको बता दें, ओयो होटल में सऊदी अरब का लड़का एक लड़की को लेकर आता है जो कि दिल्ली में, और उस सऊदी अरब की लड़की को कुछ भी नहीं पता था। आखिर ओयो होटल में किया क्या जाता है, ओयो होटल किसको कहते हैं, कुछ भी अता पता नहीं था। और वो लड़का ओयो होटल में उस लड़की को लेकर पहुंच जाता है, और आपको बता दें मैनेजर को कुछ शक हो रहा था कि ये हमारे इंडिया हमारे देश के लड़के नहीं और लड़की और लड़का नहीं लग रहे हैं। इसके लिए वो जो रूम देता है उस रूम का छुपके से सीसीटीवी फुटेज वगैरह वीडियो वगैरह ऑन वगैरह करवा देता है, ताकि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये क्योंकि हमारे देश के नहीं लग रहे हैं, जासूसी लग रहे हैं, कोई मुजरिम वगैरह होंगे या कोई हमारे देश के ऊपर हमला वगैरह करने के लिए आए हैं, ऐसा ऐसा लग रहा था। क्योंकि ऐसा भेष ही होता है और ऐसा पहनावा ही होता है सऊदी अरब के लोगों का, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उनका अलग ही पहनावा होता है। क्योंकि मैनेजर को थोड़ा बहुत शक हुआ कि ये आतंकवादी लग रहे हैं, इसके लिए ओयो कमरे का सीसीटीवी ऑन कर दिया, ताकि वो देख सके क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और दोस्तों, जो सीसीटीवी फुटेज वीडियो में जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें, लड़की उसकी मर्जी से नहीं आई थी, लड़की को कुछ भी पता नहीं था। लड़की को कहा गया था कि मैं इंडिया घुमाने के लिए ले जा रहा हूं, आपको हमारे साथ चलेंगे कि नहीं। उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ गंदा काम गंदी हरकतें की जाएंगी ओयो रूम के अंदर। क्योंकि सऊदी अरब में ओयो वगैरह किसी को पता नहीं होता है, बल्कि लड़के वगैरह जानते हैं, लड़कियों को कुछ भी पता नहीं रहता है ओयो क्या चीज होती है, ओयो में क्या किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, जो कि ओयो रूम के होटल से निकल के आया है। क्या लड़का इस लड़की के साथ कर रहा है, जबरदस्ती वगैरह कर रहा है, उसके बाद बताएंगे कि ओयो होटल के मैनेजर वगैरह को जब पता चला, उसके बाद पुलिस प्रशासन आई है और इस लड़के को पकड़ के रखा हुआ, आखिर क्या इसके साथ किया जाएगा क्या नहीं। आज के वीडियो में हम आपको सारी चीजें लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, किस तरह से काफी तेजी से वायरल हो रहा है सऊदी अरब के लड़के और लड़की का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को देखा, किस तरह से वायरल हो रहा है और किस तरह से ये लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है, और आप लोग देख सकते हैं लड़की काफी तेजी से डरी हुई है। आपको बता दें, लड़की को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ ओयो होटल में क्या किया जाएगा। लड़का काफी ज्यादा उसके साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। और आपको बता दें, जब इस वीडियो क्लिप को देखा गया तो मैनेजर ने पुलिस प्रशासन को खबर की, पुलिस प्रशासन तुरंत वहां पे हाजिर हुआ। और आपको बता दें, लड़की काफी तेजी से रूम के अंदर चिल्ला रही थी, चीखे चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सामने का उसकी आवाज नहीं सुन पा। और दोस्तों, आपको बता दें, पुलिस प्रशासन काफी जोरों शोरों से इस केस की छानबीन करने में लगी हुई है। और आपको बता दें, यहाँ भी इस लड़के के बारे में सारी डिटेल वगैरह जानने की कोशिश की जा रही है, आखिर ये लड़की और लड़का इंडिया में क्या करने के लिए आए थे, और लड़की को कैसे क्या मतलब ये इंडिया में लेकर आया, और क्या हमारे देश का भी कोई इनके साथ मिला हुआ है। सारा कुछ पुलिस प्रशासन छानबीन करने में लगी है, ये केस काफी जल्दी सोल्व हो जाएगा। और आप लोग ऐसे ही और भी नए नए न्यूज वगैरह देखने के लिए अभी तक चैनल पर नए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि जब भी चैनल का कोई नया वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।